गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बीबीबीएन ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 11th में आज पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल। मैथमेटिकल टूल में अपना जो फर्स्ट है वो है डिफरेंशियल कैलकुलस। तो बेटा डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है? तो डिफरेंशियल कैलकुलस को समझने के लिए पहले अपन समझते हैं स्लोप। तो स्लोप क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि जब अपन ग्राफ बनाते हैं, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो इस टाइप का ग्राफ है, ठीक है। तो स्लोप क्या होता है कि इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया, उसका जो टेन थीटा है, उसका जो टेन है, उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? स्लोप। इस एंगल का टेन, इसी को अपन क्या बोलेंगे? स्लोप। स्लोप को अपन स्मॉल एम से भी लिखते हैं या फिर डायरेक्ट आप नाम भी लिख सकते हो स्लोप, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि ये जो स्लोप है हर पॉइंट पे सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर अपन एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे तो यहाँ भी एंगल कितना बनेगा? थीटा ही बनेगा इसके इक्वल। यहाँ भी अगर अपन एक लाइन खींचे तो यहाँ भी क्या बनेगा? थीटा बनेगा। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है हर पॉइंट पे क्या है? सेम है ना, हर पॉइंट पे क्या है? सेम है। और स्लोप को कैसे निकालना अपने को? कि जो इसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया उसका टेन, तो टेन थीटा को अपन क्या बोलते हैं बेटा? स्लोप, ठीक है। अगर इस टाइप का ग्राफ अपने को मिले, ग्राफ इस टाइप का भी मिल सकता है, कर्व टाइप का, ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ था, इसका स्लोप निकालना है। तो मेरे को इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, तो आपको क्या करना है? इस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचना है, ठीक है। इस टेंजेंट ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया, ठीक है, थीटा वन दे देता हूं, तो वो इस पॉइंट का स्लोप हो जाएगा, इस पॉइंट पे स्लोप हो जाएगा। इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट खींचना है। इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचा, उस टेंजेंट ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया वो इस पॉइंट का क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा। इस पॉइंट पे आपको क्या करना है? स्लोप बताना है, तो आपको इस पॉइंट पे क्या खींचना है? टेंजेंट। तो आपको दिख रहा है कि टेंजेंट ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाए वो सारे एंगल क्या है? अलग अलग है ना। यहाँ पे एंगल थीटा वन है, यहाँ पे एंगल थीटा टू है, यहाँ पे एंगल ये थीटा थ्री है। मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो सेम नहीं होके क्या होगा? अलग अलग होगा। हर पॉइंट पे क्या होगा? अलग अलग होगा। तो यहाँ पे जो स्लोप मिलेगा वो अपने को कैसा मिलेगा? वेरिएबल स्लोप। और इसमें जो स्लोप मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है? कॉन्स्टेंट स्लोप। यहाँ पे जो स्लोप मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है बेटा? कॉन्स्टेंट। और यहाँ पे जो स्लोप मिल रहा है बेटा, क्योंकि देखो थीटा अलग अलग है, हर पॉइंट पे अपन स्लोप खींच, हर पॉइंट पे अपन टेंजेंट खींच रहे हैं, तो टेंजेंट ने जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया वो अलग अलग आ रहे हैं। और अलग अलग एंगल आएगा तो स्लोप भी क्या आएगा बेटा? अलग अलग आएगा। मतलब हर पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब वेरिएबल स्लोप मिल रहा है। इस ग्राफ में जो स्लोप मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है? वेरिएबल, ठीक है। तो ये होगी स्लोप की बात। और इसी स्लोप से अपने को डिफरेंशिएशन मिलेगा है ना। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? जो डिफरेंशिएशन कैलकुलस है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, कि अपना जो ग्राफ था, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, यहां पे अपन ने स्लोप बनाया था, सॉरी ग्राफ बनाया था। इस ग्राफ का स्लोप बनाना है तो अपन क्या खींच दे? हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इसने जो एंगल बनाया है उसी को बेटा अपन क्या कहेंगे? स्लोप कहेंगे। उसका जो टेन है उसी को अपन क्या कहेंगे बेटा? स्लोप। तो इसका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा? टेन थीटा, ठीक है। यहां पर एंगल सेम होगा, हर जगह इसका एंगल क्या होगा? सेम होगा। मतलब कैसा स्लोप मिलेगा अपने को? कॉन्स्टेंट स्लोप मिलेगा, ठीक है। अब टेन थीटा अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? टेन थीटा का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है? पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लिए अपने को क्या चाहिए? ट्राइंगल चाहिए। तो बेटा यहाँ पे अपन एक ट्राइंगल बनाते हैं। तो देखिए, एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट को अपन ये अपन ने ज्वाइन कर दिया, इन दोनों पॉइंट को, दोनों पॉइंट से जो लाइन है इनको ज्वाइन किया अपन ने, तो अपने को एक ट्राइंगल मिलेगा, ठीक है। इसको नाम दे दिया वन, इसको नाम दे दिया टू। इस वन के जो पॉइंट्स है कोऑर्डिनेट है वो क्या है? x1, y1। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x2,
वाई टू, मतलब ये पॉइंट कितने हाइट पे है एक्स एक्सिस से, वाई वन पर, और ये कितने पे है वाई टू पर, समझिए ना, ये कितना है वाई टू, ये डिस्टेंस कितना है बेटा एक्स वन, और ये डिस्टेंस कितना है एक्स टू, तो ये पॉइंट एक्स टू हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया एक्स वन, ये पॉइंट कितने हाइट पे है वाई वन पे, ये कितने पे है वाई टू पे, तो बेटा ये कितना आ जाएगा, ये वाई वन है और ये वाई टू है, वाई टू माइनस वाई वन कितना आ जाएगा वाई टू माइनस वाई वन, और ये कितना आ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन, तो ये डिस्टेंस मिल जाएगी अपने को कितनी एक्स टू माइनस एक्स वन, तो इस ट्रायंगल में अपने को साइड मिल गई वाई टू माइनस वाई वन और ये नीचे वाली साइड मिल गई एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स वन, तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है वाई टू माइनस वाई वन और एक्स टू माइनस एक्स वन, बेस कितना है एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब वाई एक्सिस में डिफरेंस, ये वाई एक्सिस होगी ना, वाई एक्सिस में डिफरेंस अपॉन एक्स एक्सिस में डिफरेंस, उसी से अपन क्या निकाल सकते हैं स्लोप, तो एक स्लोप का फॉर्मूला और मिल गया अपने को, क्या मिल गया वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये आपके लिए नया नहीं है, आपने नाइन्थ क्लास में इसको पढ़ा होगा वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो ये अपने को स्लोप मिल गया है ना, स्लोप को आप टेन थीटा से निकाल सकते हो, अगर थीटा नहीं दे रखा आपको तो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर ग्राफ ऐसे मिले, ऐसा कोई ग्राफ मिल जाए ठीक है, तो इसमें स्लोप कैसे निकालेंगे, जैसे इसमें दो पॉइंट लें अपन, एक ले टू एक ले वन, ये एंगल थीटा ठीक है, तो इस ट्रायंगल के लिए देखो आप कि ये ट्रायंगल तो बन रहा है, लेकिन अगर इन पॉइंट पे टेंजेंट बनाए है ना, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाए तो दोनों पॉइंट को छूती भी नहीं जा रही है टेंजेंट, दोनों पॉइंट को छूती भी नहीं जा रही, तो ट्रायंगल भी अपना नहीं बन रहा, तो अपन स्लोप भी नहीं निकाल सकते, तो इसके अंदर अपन स्लोप कैसे निकालेंगे, इस टाइप का ग्राफ अपने को मिल जाए तो इसमें स्लोप कैसे निकालेंगे, तो अपन क्या करते हैं इस y2 को इतना क्लोज लेके आ जाए 1 के, ये y जो पॉइंट है 2 इसको पॉइंट 1 के इतना क्लोज लेके आ जाए कि ये एक स्ट्रेट लाइन जो अपन खींच रहे हैं, टेंजेंट जो खींच रहे हैं, दोनों को छूते हुए चले जाए, जैसे कि ये है कि मैं क्या किया पॉइंट 2 को पॉइंट 1 के इतना करीब लेके आ गया कि अगर इसमें अपन टेंजेंट ड्रॉ करें, यहां पे एक ट्रायंगल बन रहा है ठीक है, तो टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो दोनों को छूती भी जाएगी, तो अपन ने क्या किया कि 2 को y 1 के करीब लेके आ गए या 1 को 2 के करीब लेके आ जाएंगे, इतना करीब लेके आए कि ये जो टेंजेंट अपन खींच रहे हैं वो दोनों को छूती हुई चली जाए और एक अपना ट्रायंगल बन जाए ठीक है। मैंने क्या किया 1 को या तो 2 के करीब ले गया या 2 को 1 के करीब ले गया, मतलब बहुत दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी बहुत छोटी डिस्टेंस होगी, बहुत स्मॉल डिस्टेंस होगी, और अगर वहां पे टेंजेंट खींचेंगे तो वो टेंजेंट दोनों से छूती हुई जाएगी, दोनों को छूती हुई जाएगी, तो वहां पे अपने को स्लोप मिल जाएगा है ना, उन पॉइंट पे अपने को क्या मिल जाएगा स्लोप मिल जाएगा, जैसे कि यहां पर कोई पॉइंट है और एक पॉइंट इसके बिल्कुल पास है, मेरे को स्लोप निकालना है, तो अपन ने क्या किया ट्रायंगल बनाया और एक टेंजेंट खींचे तो दोनों को क्या होगी छूती भी जाएगी, अपन टेंजेंट खींचेंगे तो दोनों पॉइंट को ये छूती भी जाएगी और वहां पे अपन स्लोप निकाल सकते हैं ठीक है। तो अपन ने क्या किया जो डिफरेंस है वाई टू माइनस वाई वन इनको लगभग बहुत छोटा कर दिया, देखो वाई टू टू को अपन कहां लेके आ गए बिल्कुल पास लेके आ गए, तो ये डिफरेंस हो जाएगा, ये जो डिफरेंस है वाई एक्सिस में ये बिल्कुल छोटा हो जाएगा, लगभग जीरो के इक्वल, बिल्कुल जीरो नहीं हो रहा, जीरो के इक्वल भी नहीं बोल सकते, अप्रोक्स जीरो, क्या बोल सकते हैं अप्रोक्स जीरो, मतलब जीरो से जस्ट बड़ा ठीक है, या और ये एक्स टू और एक्स वन भी किधर लगभग जीरो के करीब है, तब अपन स्लोप कैसे निकाल सकते हैं बेटा, ये मैंने आपको बता दिया था जो स्लोप कैसे निकाल सकते हैं टेन थीटा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं डेल वाई, y2 टू माइनस वाई वन को क्या लिखते हैं डेल y और डेल x, और मैंने लिमिट क्या लगाई है ये लिमिट लगाई है, जब ये लिमिट लगाते हैं तो ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा dy अपॉन dx, किसके अंदर चेंज हो जाएगा dy अपॉन dx, कि जब y में डिफरेंस स्लोप निकाले y में डिफरेंस बहुत छोटा है और x में डिफरेंस भी बहुत छोटा है
तो अगर अपन यहां पे वो लिमिट लगाएंगे तो ये कैलकुलेशन किसके अंदर चेंज हो जाएगी, dy अपॉन dx, इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, स्लोप किसका, y का, y वर्सेस x का ये क्या हो गया बेटा, स्लोप हो गया, y वर्सेस x का ये क्या हो गया, स्लोप हो गया। अगर यहां पे ये लिमिट लगा दें अपन, लिमिट क्या लगाई है मैंने कि जो डेल एक्स है वो जीरो के बहुत करीब है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dx, ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं बेटा डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन आपको मैथ में बहुत डीपली समझाएंगे, तो वहां पे आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसका जो मीनिंग है वो वहां पे समझ में आएगा, जितना फिजिक्स में काम आने वाला है वो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जो डिफरेंशिएशन अपन ने देखा क्या था, डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx एक्चुअल में ये क्या है, स्लोप है किसका, ग्राफ का, जो अपन ग्राफ निकाल रहे हैं उसका क्या है बेटा, ये स्लोप है ना, dy by dx क्या हो गया, ये स्लोप हो गया। इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब x के रेस्पेक्ट में y में जो चेंज हो रहा है उसको अपन कैसे कैसे पढ़ेंगे, dy by dx, इसी को अपन क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में y में जो चेंज हो रहा है उसको अपन ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये है डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, वो बेसिक फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, जैसे कि मेरे को एक फंक्शन दे रखा है y कांस्टेंट, y की वैल्यू क्या दे रखी है, कांस्टेंट, और मेरे को बेटा इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो dy by dx इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा बेटा, जीरो, कितना आएगा, जीरो, मतलब कि dy की जगह अपन कांस्टेंट रखें, कांस्टेंट कुछ भी नंबर हो सकता है, उसका डिफरेंशिएशन अपन करेंगे तो बेटा उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो, क्या आएगी, जीरो, ठीक है। और अगर इसको अपन ग्राफ में प्लॉट करें, देखो ये क्या हो गया y, सॉरी ये हो गया x, ये हो गया y, और y की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे y इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है, तो ये कांस्टेंट नंबर है, ये एक नंबर है जिसको अपन क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, तो y इक्वल टू 6, तो y कहाँ आएगा, 6 कहाँ आएगा, इस यहाँ पे आएगा, मान लो कि 6 कहाँ है, यहाँ पर, तो ऐसा ग्राफ मिलेगा अपने को, जैसे जैसे x चेंज होगा y में कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब x चेंज हो रहा है लेकिन y में कोई चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि y तो क्या है बेटा, कांस्टेंट है, तो ऐसा ही तो ग्राफ मिलेगा। और इसका जो स्लोप है उसी को तो अपन क्या कहेंगे, dy by dx, तो बेटा स्लोप कितना है, जिसको अपन tan थीटा से भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे थीटा कितना बना है, थीटा कितना बना, जीरो, तो tan जीरो, tan जीरो की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, मतलब स्लोप कितना है, जीरो, स्लोप कितना है, जीरो, तो dy by dx को ही तो स्लोप कहते हैं, और जिसकी वैल्यू कितनी आई है बेटा, जीरो, तो इसका जो स्लोप आया मतलब dy by dx की वैल्यू कितनी आई है, जीरो, ठीक है। तो ऐसे अपने को ये फॉर्मूले याद रखने हैं, सभी फॉर्मूले में अपन ग्राफ नहीं बनाएंगे, ग्राफ इसी फॉर्मूले में मैंने बना के बताया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि अगर किसी कांस्टेंट का अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो, डी कांस्टेंट, उसकी जो डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जीरो। सेकेंड जो इसका फॉर्मूला है कि वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर एन, मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, y, y क्या है यहाँ पे, x की पावर n, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy, सॉरी d अपॉन dx, y की जगह क्या लिख सकते हैं, x की पावर n, बेटा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, n x n माइनस वन, कितना आएगा, n x n माइनस वन, n यहाँ पे पावर है तो कितना आएगा, n x n माइनस वन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना, ठीक है। ये सेकंड फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में अपन कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।